के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने आज कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस सी दुलारा, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगजीत और डॉक्टर मधु समेत कई डॉक्टर्स भी साथ रहे। जगदीश चंद्र ने अस्पताल में बीते दिनों हुई बच्चों की मौत पर दुख जताया, साथ ही कहा अब अस्पताल में इंतजामों को बेहतर बनाने की जरूरत है, ऐसे में सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। जगदीश चंद्र ने बेतहाशा ठंड को देखते हुए अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को कम्बल भी बांटे। जो प्रयास हो रहे हैं रोकथाम के, उनकी देख रेख के, शिशुओं के, माताओं के, हॉस्पिटल के द्वारा, सरकार के द्वारा, विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, उसकी मैं सराहना करता हूं। और हमें आशा करनी चाहिए कि ऐसी दुखांतिकाओं की पुनरावृत्ति कम से कम हो, क्योंकि जीवन मृत्यु का साथ तो हॉस्पिटल के जीवन में है। तो एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा बने, सरकार प्रयास कर रही है, सब प्रयास कर रहे हैं, नागरिक जुड़ गए हैं, अक्रॉस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स विधायक जुड़ गए हैं, कंपनियों के सीएसआर एक्टिविटी जुड़ गई हैं। इन सब की प्रशंसा की जानी चाहिए और सभी को मिलकर हॉस्पिटल प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम, उनका उपचार केवल सरकार के सहारे डिपेंड नहीं किया जा सकता, पूरे समाज को इसमें आगे आना होगा और यही जज्बा होना चाहिए। महिलाओं के जो बेबी न्यूबॉर्न पैदा हुए हैं उनको कातिल साहब ने कंबल दान दिए हैं, वो घर घर ले जाएंगी और उनके बच्चों की केयर में और उनके परिवार की केयर के काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर की एक टीम जोधपुर पहुंची। इस दौरान टीम ने उम्मेद अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल के शिशु विंग का जायजा लिया, साथ ही मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से लेकर सरकारी अस्पताल के अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए। खबरें लगातार जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ